माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। एक भिखारी था, वो पार्ला खिमुंडी के बस स्टैंड की मार्केट के आसपास भीख मांगता था। अब अगर कोई उसको रुपया पकड़ा दे वो विभोर हो जाता था, वाह 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 वाह। कोई उसको डांट लगा दे, मन ही मन वो उसको कोसता था। इस प्रकार से वो सुख दुख के बीच में झूलता था उसका अंतःकरण। लाभ हुआ खुश हो गए, हानि हुआ दुखी हो गए, तो ज्यादा दुखी ही रहता था। अब एक व्यक्ति ने उसको लॉटरी की टिकट पकड़ा दी। उसने पुरस्कार के दिन किसी के माध्यम से चेक कराया न्यूज़पेपर से, उसको पहला पुरस्कार मिल गया 1 करोड़ का। उसने कहा मैं तो करोड़पति हो गया, लेकिन पार्ला खिमुंडी के लोग मुझे कभी करोड़पति नहीं मानेंगे। यहां से वो निकला और गया गुणपुर, और पहला काम उसने किया एक घर खरीद लिया, बड़ा सा घर। और बाकी से उसने कहा अब हम व्यापार करें, लेकिन हम तो व्यापार जानते ही नहीं है। उसने एक मुनीम जी को लगा दिया। मुनीम जी बुद्धिमान थे, वो उसकी पूंजी को बढ़ाने लग गए। तो 6 साल में वो करोड़पति से अरबपति हो गया। उसने एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी वहां स्थापित कर दिया, बड़ा आदमी हो गया। 6 साल के बाद वो अपने घर के ड्राइंग रूम की अलमारी को उसने खोला तो उसके भिखारी के वस्त्र मिले। उसको याद आया मैं भिखारी बन के यहाँ आया था, उस समय यहाँ वस्त्र उतार के नए वस्त्र पहने थे। उसको पुराने दिन याद आने लगे जब वो पार्ला खिमुंडी में भिक्षा करता था। उसने कहा कि मान लो मैं आज भिक्षा के लिए जाऊंगा तो कैसी अनुभूति होगी। नौकरों को कहा किसी को बताना मत, मैं परसों वापस आऊंगा। तो भिखारी के वस्त्र पहनकर फिर से निकल आया, बस पकड़ के पहुंचा। बस स्टैंड पे उतर के अपने टिन के डब्बे से घूमा, भिक्षाम दे ही। कोई उसको दे कोई न दे, किसी ने पहचान लिया, अरे रामू इतने दिन कहां चले गए थे। किसी ने नहीं पहचाना, जा भागो यहां से परेशान करते हो। लेकिन अब उस व्यक्ति के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। चाहे कोई गाली दे चाहे कोई रुपया दे, उसको पता था हम तो केवल एक्टिंग कर रहे हैं, हम तो अरबों के मालिक हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए क्रिया वही थी जो पहले कर रहा था। पहले भी वो भिक्षा करता था, अभी भी उसने भिक्षा की। अंतर किस में था? अंतर फलाशक्ति में था। पहले वो फलाशक्ति युक्त होके भिक्षा करता था तो सुखी दुखी होता रहता था। अब उसने फलाशक्ति को त्यागा हुआ था, चाहे फल मिले चाहे न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कर्म वही कर रहा था, लेकिन उसके अंतःकरण में समत्व की भावना थी। तो इसी प्रकार से जो कर्म योगी हो जाता, उसने संसार की इच्छा को छोड़ दिया, क्योंकि उसने समझ लिया संसार में तो सुख है ही नहीं, भगवान में सुख है। तो क्योंकि उसने संसार की इच्छा को छोड़ दिया, संसार के हानि लाभ में वो एक समान बना रहता है, और वो अपने मन की आसक्ति
व्यक्ति को भगवान में करके सब कर्म भगवान को अर्पित करता जाता। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।